नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिस मेकअप लुक। आई होप गाइस यू विल लाइक इट। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, यू आर वाचिंग रैबीज फैशंस एंड आई एम सोनाली, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मेकअप को। स्टार्ट करने के लिए पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द आई मेकअप। बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ मेकअप, मेक श्योर कि आपका जो फेस है वो बिल्कुल क्लीन हो। फेस वॉश यूज़ कर लीजिए, थोड़ा सा स्किन केयर कर लीजिए एंड स्टार्ट विद द मेकअप। सो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर एंड थोड़ा सा स्पेशली आई मेकअप होने वाला है तो अपर लिड्स पे अप्लाई करेंगे एंड इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई द स्किन शेड टू सेट द कंसीलर एंड ये तीनों शेड लाइक ब्राउन, लाइट ब्राउन एंड स्किन शेड एक के बाद एक यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करते हैं वो चलिए देख लेते हैं। पहले मैं अपने आईलिड्स को सेट कर रही हूँ, बेस को सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर इज अ ब्राउन शेड, लाइट ब्राउन शेड पहले आपको यूज़ करना है। हम धीरे धीरे इसको बिल्डअप करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा शेड्स यूज़ होने वाला है इस मेकअप में, ठीक है। वंस वी आर डन, नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ वो डार्क शेड एंड थोड़ा सा धीरे धीरे हम इसको ब्लेंड करेंगे। पहले लाइट ब्राउन शेड, देन थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड, देन हम इस पर अप्लाई करेंगे जो येल्लो शेड मैंने आपको अभी दिखाया वो वाला शेड मैं यूज़ कर रही हूँ, हुडा ब्यूटी का पैलेट। एंड वंस आई एम ब्लेंडिंग इट, आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छी तरह ग्रेडिएशन होके आ रहा है, वही हमको यहाँ पे चाहिए। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ द शेडर ब्रश टू एंड यूज़ द मोस्ट डार्केस्ट ब्राउन शेड हियर एंड उसको बिल्कुल क्रीज लाइन पे हम अप्लाई करेंगे एंड वंस अगेन फ्लफी ब्रश की हेल्प से सारे मेकअप को ब्लेंड करेंगे। सो आई हैव ऑलमोस्ट यूज़ 2, 3, 4 मैंने यहाँ पे शेड्स यूज़ किया है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग हियर इज़ दिस शिमरी शेड जो हम बाद में भी यूज़ करेंगे। सो यही वाला शिमरी शेड मैं यूज़ कर रही हूँ ऑन माई लिप्स विद द यूज़ ऑफ माई फिंगर्स एंड इसको भी मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी विद द शेडर ब्रश वंस देन विद द फ्लफी ब्रश। अच्छी तरह ब्लेंड कर लीजिए एंड योर आई मेकअप इज़ रेडी। नाउ यू आर गोइंग टू डू द आईब्रोज। आईब्रोज के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लैक्मे का आईब्रो पेंसिल, ये आपको 60 to 65 rupees में बहुत ईजिली मिल जाता है और जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत सही है बिकॉज यू कैन कंट्रोल व्हाट यू अप्लाइंग ऑन योर ब्रोज। एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग अ स्पूली टू सेट इट, आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं। ओके, वंस आई हैव डन आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रश ऑफ ऑल द यू नो थोड़ा सा अगर फॉल आउट होता है तो उसको ब्रश ऑफ करके मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ डायरेक्टली प्राइमर। इससे पहले मैंने ऑलरेडी अपने फेस को मॉइस्चराइज, टोनर मैंने सब कुछ कर लिया था तो डायरेक्टली प्राइमर अप्लाई करूँगी। ब्लू हेवन का प्राइमर है एंड दिस इज़ रियली रियली गुड, ये आपके फेस को एंड मेरे फेस में इतना ज़्यादा ओपन पोज की प्रॉब्लम नहीं है बट इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ओपन पोज मेक श्योर कि आप स्किन केयर फॉलो कीजिए एंड साथ ही साथ आपको अच्छा एक प्राइमर यूज़ करना है। इफ़ यू आर बिगिनर ट्राई दिस वन। नेक्स्ट टाइम लाइक कैरिंग आउट द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज़ यूजिंग अ करेक्टर, मेक श्योर कि अगर आपके फेस में इसी तरह की पिगमेंटेशन है, मार्क्स हैं तो आप ज़रूर एक करेक्टर यूज़ करें, चाहे वो यू नो ऑरेंज करेक्टर हो या फिर ग्रीन करेक्टर हो। उससे क्या होता है आपके फेस को एक अच्छा सा बेस मिल जाता है। इसके ऊपर आप कोई भी बेस मेकअप लाइक फाउंडेशन, कंसीलर यूज़ करोगे तो वो वाइटिश कास्ट नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है सेम स्विस ब्यूटी का कंसीलर एंड हाईलाइटिंग पॉइंट्स पे एंड अंडर आईज पे अराउंड माय माउथ एरियाज कंसीलिंग एंड हाईलाइटिंग बोथ पर्पसेस के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कवरेज ऑलरेडी मिल जाएगा सो मेक श्योर कि इसके लाइक बाद आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करो उसका कवरेज शेयर होना चाहिए। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि आप कोई भी मेकअप करो आपका क्लीन फेस अगर होना तो थोड़ा सा अगर आप लाइक शेयर कवरेज वाला मेकअप यूज़ करोगे उससे ही काफ़ी अच्छा और उसे आप बिल्डअप कर पाओगे ना, तो इसीलिए मुझे ये ज़्यादा प्रेफरेंस लगता है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग हियर इज़ बीबी क्रीम फ्रॉम पॉन्स, माय शेड इज़ 01 ओरिजिनल एंड उसको मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी एंड इसको ब्लेंड करूँगी। थोड़ा सा पहले वाइट कास्ट लगेगा बट ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये आपके स्किन टोन के हिसाब से बिल्कुल ही मैच कर जाएगा। वंस आई हैव ब्लेंडेड यू कैन सी दैट द वाइट कास्ट इज़ ऑलमोस्ट गॉन। नेक्स्ट आई एम यूजिंग हियर इज सफायर लूज पाउडर ऑफ ब्लू हेवन, ये आपको बिलो 100 rupees मिल जाता है एंड द कवरेज द फिनिश इज एब्सोल्यूटली अमेजिंग। चाहे मेरा यूट्यूब चैनल कितना ही बड़ा हो जाए आई विल ऑलवेज कंटिन्यू यूजिंग दिस पर्टिकुलर पाउडर, दिस इज़ अमेजिंग गाइस। जिनका ऑयली स्किन है आप एक बार ट्राई करके देखो और फिर आप मुझे बताना,
अफोर्डेबल है, बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है, इजीली ब्लेंडेबल है, मैट फिनिश अमेजिंग है। मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर एक रिव्यू लाने वाली हूँ एंड यू विल लव इट, आई प्रॉमिस। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ हियर इज़ दिस ब्लू काजल, दिस इज़ फ्रॉम मार्स एंड ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। अगर आप चाहो तो आप NYPA या फिर बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको कलरफुल जो काजल होते हैं ना वो आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आई हैव लाइक टाइट लाइन करूँगी अपने आईलिड्स को और थोड़ा सा बिलो माई आई लैशेज भी, लाइक आईलिड्स में थोड़ा सा लोअर आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी। इससे क्या होगा, आप जब स्मच करोगे विद दिस ब्लू कलर, ब्लू आपको कोई भी एक ब्लू शेड चाहिए, आप कोई भी मैंने यहाँ पे हिलरी रोडा पैलेट यूज़ किया है, आप कोई भी पैलेट यूज़ कर लो, उसमें से ब्लू कलर आपको यूज़ करना है टू स्मच द आई काजल सॉरी एंड यू हैव टू स्मच इट एंड ऑल्सो सेट इट। वंस आई हैव डन इट, मैं यहाँ पे फॉल्स आई लैशेज अप्लाई करूँगी एंड एक विंग लाइनर यूज़ करूँगी, लाइक ड्रॉ करूँगी, बट द विंग लाइनर शुड बी वेरी मच नॉट वेरी थिक, ओके, मतलब बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं चाहिए, बट ऑब्वियसली एक वो मैं कैसे कहूँ, एक स्लिक सा लुक आना चाहिए आपके आईज में एंड आई एम फिलिंग इट। स्लोली कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, ये सारे स्टेप्स में थोड़ा सा वक्त लगता है स्पेशली आईलाइनर वगैरह में। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्लश, दिस इज़ अ मैट पिंक कोरल काइंड ऑफ शेड, वो आपको यूज़ कर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एंड आई लव द शेड गाइज, आप देख सकते हो कितना सही लग रहा था। ये विंटर सीजन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, बट कोई नहीं, विंटर सीजन जा चुका है, आप चाहो तो समर सीजन भी क्रिएट कर सकते हो, बट थोड़ा सा ब्लश कम यूज़ कीजिएगा, बट विंटर सीजन में मेक श्योर कि आप थोड़ा सा ज़्यादा ब्लश यूज़ कीजिए। सीज़न के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत मेकअप में भी चेंज लाना पड़ता है, जस्ट एज यू चेंज योर फैशन, राइट, ओके। नेक्स्ट मैंने क्या किया, थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई किया था मैंने, फिर मैंने क्या किया, जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसकी हेल्प से मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख लो एंड यू कैन सी द नेचुरल लुक दैट हैज़ कम। और इस पर्टिकुलर आई मेकअप के साथ आप ऐसे ही आप लाइक ब्लश एंड यू नो इतना ज़्यादा आपको कंटूर करने की ज़रूरत नहीं है। वंस यू अप्लाई द ब्लश एंड ब्लेंड इट प्रॉपरली, यू विल सी ऑलरेडी योर फेस इज लुकिंग, योर फेस विल लुक ऑलरेडी वेरी यू नो वेरी क्यूट एंड आपको खुद ही नज़र आएगा और बहुत ज़्यादा स्मूथ लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ हियर इज दिस कॉन्टूर शेड फ्रॉम द सेम सिवाना अल्ट्रा ब्लश पैलेट एंड मैं अपने फेस को थोड़ा सा चिजल आउट करूँगी, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट नोज एंड जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टूरिंग की ज़रूरत है वहाँ पे अप्लाई करूँगी एंड ब्लेंड इट प्रॉपरली विद द ब्रश, ठीक है। स्पेशली नोज़ एरिया मुझे अच्छी तरह कॉन्टूर करना ज़्यादा पसंद है, आई वॉन्ट दैट चिजल्ड नोज़ लुक आई वुड से, ओके। नेक्स्ट आई एम यूजिंग हियर इज़ द हाईलाइटिंग शेड फ्रॉम द सेम सिवाना अल्ट्रा ब्लश पैलेट। इस सिवाना अल्ट्रा ब्लश पैलेट का रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो आप चेकआउट कर सकते हो इफ यू वॉन्ट। And then I'm going to apply it on the bridge of my nose, on my eyebrows, on my cheeks, on my chin and on my forehead. जहाँ जहाँ आपको highlighting की ज़रूरत है आप वहाँ वहाँ apply कर लीजिए and next you have to use a fan brush to blend it very nicely, ठीक है। Cupid's bow पे apply कर लीजिए, इससे क्या होगा आपके फेस में ना एक अलग शाइन आएगा। जब मैंने और एक चीज़ मैंने ये वाला स्टेप आपको बताया ही नहीं, जो शेड मैंने अपर लिप्स पे अप्लाई किया था शाइनी शेड, वही शिमरी शेड मैं इनर कॉर्नर्स पे भी मैंने अप्लाई किया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ब्लू काजल को अप्लाई करने के बाद ही मैंने ब्रश की हेल्प से इनर कॉर्नर्स पे वो शिमरी शेड मैंने सेम शिमरी शेड मैंने अप्लाई कर लिया था विच कम्प्लीट्स माई आई मेकअप एज वेल एज माई फेस मेकअप। एंड नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ माई लिप्स, यहाँ पे मैंने निविया का लिप शेड यू सॉरी नॉट निविया, ये L18 का है और ये जो कलर है दैट इज़ 02 रोजी लेबल, ठीक है। ये मैंने बहुत पहले परचेज किया था, शेड सही है, आई वॉन्ट से इट्स बैड, इट्स रियली गुड, मॉइस्चराइजिंग है आपके लिप्स के लिए, ओके, एंड एवरीडे यूज़ के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग ओवर ऑन द शेड इज़ दैट रोजी सॉरी डस्की नूड फ्रॉम स्प्लैश सीरीज ऑफ ब्लू हेवन, ठीक है। आप दोनों ही लिपस्टिक्स ट्राई कर सकते हो एंड आई एम ब्लेंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश एंड फाइनली आई एम अप्लाइंग ब्लू हेवन मैट लुक फिनिशिंग स्प्रे, ठीक है, मेकअप फिक्सर
एंड नेक्स्ट अच्छी तरह इसको थोड़ा सा अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो, बट आई हैव केप्ट इट एंड यू कैन सी गाइज द फिनिश लुक. आई पर्सनली रियली रियली लव्ड इट. एवरीथिंग इज लाइक सिंक्रोनाइज हो चुका है एक दूसरे साथ, लाइक वो आई मेकअप हो या फिर लिप्स या फिर चीक्स कलर. आई पर्सनली लव्ड इट. आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा. आई विल वेट फॉर योर फीडबैक एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय गाइज, आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो. टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल.